नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो मार्केट में चलते हैं और आप लोगों के पास आते हैं, तो आप लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमें आखिर कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है। दोस्तों, मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा ताकि आप पता लगा सकें कि जिस एप्लीकेशन में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आखिर कब तक आपको पैसा देगा। तू समझा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से एप्लीकेशन होते हैं जो आपको पता होना है कि वो फेक है या रियल है। दोनों ही कैटेगरी में दोस्तों मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। देखिए, रियल एप्लीकेशन कौन से होते हैं? ज़्यादातर रियल एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर पर अवेलेबल होते हैं। जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल होते हैं दोस्तों, वो एप्लीकेशन कम से कम दोस्तों एक मंथ से लेकर दोस्तों 6 महीने तक चलते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल होते हैं दोस्तों, ऐसे एप्लीकेशन 1 से 6 महीने तक चल जाते हैं। देखिए, कुछ एप्लीकेशन रियल में या तो आपको पैसा लगाना होता है या दोस्तों कुछ कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। अगर कोई भी प्लान आपके पास आता है, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है दोस्तों, वो आपको पैसा देकर जाएगा। अगर किसी कंपनी में अगर आप ज्वाइन होते हैं, अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट अगर आपको बाय करने हैं, तो ऐसी कंपनियां काफ़ी समय तक चलती हैं और आपको पैसा देकर जाती हैं। अब बात करते हैं फेक एप्लीकेशन। दोस्तों, फेक एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो आपका पैसा सब लेकर भाग जाता है या आपको पैसा देगा ही नहीं। ऐसे एप्लीकेशन में मार्केट में बहुत सारे चलते हैं और जो लोग शुरुआत में दोस्तों स्टार्टिंग में जो लोग उसमें पैसा लगाते हैं उन लोगों का तो प्रॉफिट हो जाता है, और जो बाद में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका हो जाता है दोस्तों लॉस। अब मैं आपको बताऊंगा कि फेक एप्लीकेशन मार्केट में किस तरह के होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है ये भी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, बट ऐसे एप्लीकेशन में आपको क्या देखना है कि अगर कोई एप्लीकेशन दोस्तों पावर बैंक अगर एप्लीकेशन आपके पास आता है, जिसमें अगर एप्लीकेशन बोल रहा है कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, आपको डेली का दोस्तों 100 रुपये मिलेगा। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो डेली का आपको 100 रुपये ये एप्लीकेशन दे रहा है। तो ऐसे एप्लीकेशन या तो दोस्तों 10 दिन चल के जाते हैं या 20 दिन चल के जाते हैं, इतने ही दिन चलते हैं दोस्तों, जिसमें जो शुरुआती में पैसे इन्वेस्ट कर देता है, आप सोच सकते हैं अगर एप्लीकेशन 20 दिन में चल गया तो जिसने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए दोस्तों उसका तो 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और जिसने दोस्तों 10 दिन के बाद इन्वेस्ट किया उसका 1000 रुपये वापस रिलोड किया जाएगा। बट दोस्तों, जिसने 15वें दिन अगर इन्वेस्ट किया उसके साथ हो जाता है दोस्तों स्कैम। आप बोलते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन को हम बोल देते हैं फेक एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि फेक एप्लीकेशन में दोस्तों ज़्यादातर एप्लीकेशन मनी सर्कुलेशन प्लान होते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और आपको उसमें पैसा मिलेगा। चाहे वो प्लान आपका 500 रुपये का हो दोस्तों, 500 रुपये में वो कंपनी आपको 70 रुपये दे रही हो, या वो प्लान 1000 रुपये में हो, 1000 रुपये में कंपनी 110 रुपये दे रही हो, या 2000 रुपये में प्लान हो जिसमें वो आपको कम से कम 300 रुपये दे रही हो। ऐसे प्लान जो इन्वेस्ट पर आपको हाईएस्ट अमाउंट रिटर्न देते हैं वो दोस्तों एप्लीकेशन फेक कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। दोस्तों, जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बट उसका प्रोडक्ट बेस है, अगर ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ये मनी सर्कुलेशन प्लान है दोस्तों, तो इस पर भी डाउट रहता है, ये भी एप्लीकेशन भागने का चांसेस रहते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन भी फेक हो जाते हैं। बट अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप किसी भी एप्लीकेशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके मन में डाउट हो कि ये एप्लीकेशन कब तक चलेगा, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में कि आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।